हैं आप सभी लोग। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है और जो कि काफ़ी दिक्कत वाला है, लेकिन अब क्या करें। तो अलग अलग रहने के बजाय हम लोगों ने सोचा चलो एक साथ क्यों ना, एक साथ ही हम सब मम्मी बड़ी बहन सब एक साथ एक जगह बैठकर कम से कम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। लॉकडाउन तो है ही मुसीबत की चीज़, लेकिन जब दो दिन अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, लॉकडाउन सरकार ने ऑर्डर दे दिया है तो हमें तो उसका पालन करना ही है। बाहर नहीं निकल सकते, कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी, सब दुकानें बंद रहेंगी। तो हमने यही सोचा कि चलो एक साथ मिलके क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाएगा। इसीलिए अब मैं और अपने नियो को लेकर निकल रही हूँ अपने बड़ी दीदी के घर पे, और वहीं पर हम सभी लोग एक साथ दो दिन का क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी बड़ी दीदी का घर और ये नियो की नानी जी का घर। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। और हमारी शुरुआत और अंत, कभी भी तो मैं चाय के बिना मैं तो रह ही नहीं सकती। तो निकलने के पहले मेरी तैयारी होने के साथ मैंने साइड में चाय चढ़ा दी है और चाय की भी तैयारी हो रही है। तो चलिए अब मैं आपको नियो को भी दिखा देती हूँ किस तरह से वो सो रहा है, आराम से सो रहा है। चलिए आपको नियो से मिलाती हूँ किस तरह से नियो कितने आराम से सो रहा है। उसको तो कोई फिक्र नहीं है, एक्चुअली फिक्र की बात नहीं है, वो बहुत ही टेंशन में, क्योंकि उसको छोड़ के सब लोग जा चुके हैं और मैं ही सिर्फ अकेले उसके साथ हूँ। इसलिए वो बहुत ही सबको मिस कर रहा है। इसलिए जब भी वो सबको मिस करता है ना तो वो ऐसे चुपचाप पड़ा रहता है। उसको डिप्रेशन एंड एंजाइटी है क्योंकि उसे किसी ने, उसके जो फर्स्ट ओनर ने था, ठीक है, नहीं वो फिर कभी बताऊँगी आपको उसकी स्टोरी, उसको हमने किस तरह से रेस्क्यू किया था, किस तरह से उसको पाया था और किस तरह से हमने उसकी देखभाल की और आज वो हम सभी का चहेता है। ये बाद में कभी शेयर करूँगी, अगर आपने कहा, आप लोगों के कमेंट आए तभी करूँगी, लेकिन करने की इच्छा मेरी ज़रूर है क्योंकि बहुत ही स्पेशल मोमेंट था वो। मैं अपनी स्टोरी ही बताऊँगी। डॉग लवर नहीं थी मैं, लेकिन किस तरह से जब मैं वह आ गया और कैसे कैसे लाइफ चेंज हो गई वो सब मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन बस आप लोग एक कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे जैसे कमेंट आएंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले दिखा देती हूँ आपको किस तरह से हमारा नियो बच्चा सो रहा है टेंशन में सो रहा है, क्योंकि उसको सेपरेशन एंजाइटी है, क्योंकि उसके फर्स्ट ओनर ने, जैसा मैंने कि पहले ही बताया, उसको यूं ही छोड़ दिया था। तो आइए दिखाती हूँ आपको हमारा नियो, और साथ में साइड बाय साइड में चलने की भी तैयारी कर रही हूँ, तो काम समेट रही हूँ और दिखाती हूँ आपको। आइए कैसे सो रहा है, कोई फिक्र नहीं है उनको, है ना, टेंशन है उनको, कान हिल रहे हैं, टेंशन, बहुत टेंशन। अभी आवाज़ लगाऊंगी ना कि अमन आया तो झट से उठ जाएगा। देखो अमन के नाम से ही शरीर में हलचल होने लग गई है। ठीक है, चलिए उठने के बाद इससे मिलाती हूँ मैं आपको, इसको सोने देती हूँ, नहीं तो और टेंशन आ जाएगा इसको उठने के बाद। ये देखिए मेरी चाय रेडी हो रही है, क्योंकि बिना चाय मैं बाहर निकल नहीं सकती हूँ। चाय एक एनर्जी है, एक होता है ना, एडिक्ट होते हैं उस तरह से समझ लीजिए आप। मुझे रात को 2 बजे भी कहेंगे कि चाय रेडी आके पी लो तो मैं ज़रूर पी लूँगी। तो चाय बिना अपनी सुबह नहीं होती, अपनी रात नहीं होती है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाकर चाय पीने। ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों में ऐसे कितने लोगों का चाय उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, जैसा कि मेरा एक अहम हिस्सा है यह मेरी चाय। चाय बिना चलता नहीं है। तो आप लोग भी मुझे शेयर कर कीजिएगा ज़रूर, आप भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। इंतज़ार हो रहा है अमन का। अमन जैसे ही आता है, और यहाँ पर मैं अपने कुछ पोएम्स लिख रही थी तो उसकी मेरी डायरी पड़ी है और नोजोडो पे मैं अपनी पोएम रिकॉर्ड कर रही थी। तो बस अब इंतज़ार हो रहा है अमन का, क्योंकि अमन के आते ही हम नियो को लेकर जाएंगे उसकी मौसी के यहाँ पर।
प्रॉब्लम यह है कि मैं अकेले उसको लेके जा नहीं सकती ऑटो में, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड हो जाता है ना कि मैं उसको थाम ही नहीं पाती हूँ। इसलिए बस अमन का इंतज़ार हो रहा है और फिर हम लोग जाएंगे रिक्शे में बैठ के अपनी मौसी के यहाँ पर। और चूँकि हमको 8 बजे के पहले पहले पहुँचना है, 8 बजे के बाद से वीकेंड लॉकडाउन शुरू होने वाला है, तो बस इंतज़ार हो रहा है अब अमन का। और हमारे नियो अभी तक संताप में सोए हैं, संताप समझते हैं ना, टेंशन में वो सोए हैं कि मुझको छोड़ के हमारा अमन चला गया। चलिए फिर से देखिए, अब जगह बदल के वो सो चुका है और अभी तक सो रहा है। नियो उठो, चलो मौसी के यहाँ चलना है, बड़ी मौसी के यहाँ चलना है। देखो अमन आया, ये देखो अमन आया, हाँ अमन के नाम से झट से उठ गए हैं। ये देखा ना आपने किस तरह से अमन के नाम से पटाख से उठाइए, अमन उसका, अमन का बस नाम ले लो तुरंत उठ जाएगा। कहाँ है अमन, कहाँ है अमन, अमन कहाँ है, नहीं हो ढूंढो अमन को। हाँ दरवाजे की तरफ देख रहे हो, हाँ अभी अमन आएगा फिर हम लोग बड़ी मौसी के यहाँ चलेंगे, दीदी के पास चलेंगे, चलना है ना। हाँ प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें मेरे। तो चलिए अब हम चलते हैं नियो के साथ हमारे दूसरे घर में। नियो नियो नियो, ए नियो नियो, इसको छोड़ जाएंगे, नहीं बाबा नियो हम लोग को छोड़ के, हम लोग तुमको छोड़ के जाएंगे नियो। हाँ हाँ नियो को मत लेके जाना अमन, अरे कितना गुस्सा, हाँ गुस्सा आएगा तो बराबर छिकेगा, हम लोग नियो को नहीं लेके जाएंगे, समझ गया उसको, अमन जा रहा है, बाय बाय नियो। अमन नियो ने पूरा ऐसे सोया था, इसको लेके मत जाना, एक मिनट भी बैठा नहीं था, पूरा समय सोता रहा, जैसे मेरी दुश्मन इसकी, इतना उदास हो जाता है। तो कहाँ चल रहे हो, रेडी नहीं हो, चलो बाय नहीं हो, हम लोग जा रहे नियो को छोड़ के। कैसे पता चल गया उसको, देख बराबर से नियो बाय बाय। निकल रहे हैं आगे, अब हम लोग निकल रहे हैं। हाँ से बिल्कुल भी बात नहीं किया उसने, यहाँ से वैसे पेट ग्रेवी ले आओगे क्या तुम्हें, हाँ कितना 140 कितना 40 छुट्टा नहीं, देखो ना होगा तो आपके पास छुट्टा नहीं दे सकते। बैठ जा, यू सेट सेट चलिए ये ब्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगले ब्लॉग में देखिए, यहाँ पे वीडियो में जिस तरह दिखाया है कि इस तरह से नियो का स्वागत स्ट्रीट डॉग ने किया, उसके बारे में जानकारी बताऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, साथ इसी तरह बने रहिए, मुझे आपका प्यार दीजिए और बस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं